इसका भी बच्चे का भी आएगा। ये तो कितना वो आगे बैठे बैठे ये शुरू आगे बढ़ जाओ। ये हम काला अंगूर भेंट कर रहे हैं क्योंकि इनके आप हैं स्वतंत्र भारत के जिला संवाददाता राजपाल सिंह। अब इनके मुख पर मैं इनकी तारीफ मैं कैसे करूं, लेकिन प्रसंग के बस मैं कह रहा हूं कि ये क्षत्रिय समाज के ये गौरव हैं। ये साधारण बात नहीं है, जो इनका इनकी महानता है, इनका जो व्यक्तित्व है वो सराहनीय है, ये वंदनीय है और पूजनीय है। और ऐसे लोगों को ढूंढ करके ये मैं अपने हाथ से जो भी अपने हाथ से मैंने पैदा किया है, जो भी अभी इनको हम नारियल कभी लागे देंगे, तो साधु ऐसा हो जो स्वयं से पैदा करके लागे दे। ये नहीं कि उनकी टोपी उनको लगाया, उनकी टोपी उनको लगाया, मैं उनको साधु नहीं मानता हूँ, है ना शर्मा जी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी तरीके से स्वयं का पैदा किया हुआ। डीएम साहब की पत्नी ने कहा कि बाबा जी इन चीज़ों को रायबरेली में पैदा करना बाहर से मंगा करके, इससे अंदाज़ा लगता है कि आपने कितनी मेहनत की होगी। और आपके अमर उजाला में भी छपा है, स्वतंत्र भारत में भी छपा है। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो महान लोग हैं, जिनके अंदर महानता है, हमको आपके ऊपर गर्व है। हम समझते हैं कि वास्तव में ये राम के वंशज हैं। जो इनकी गंभीरता है, इनकी शालीनता है, जो इनका व्यवहार है वो अत्यंत सराहनीय है। ऐसे लोगों को मैं ढूंढ ढूंढ करके अपने हाथ का पैदा किया हुआ चीज़ मैं इनको भेंट करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि समाज के लोग ऐसे लोगों के ऐसे लोगों का बजाय जड़ काटने के उनके उनका सहयोग करें। ऐसे लोगों का जड़ काटने वालों के साथ क्या हश्र होगा, हमसे एकांत में कोई पूछ ले आके। तांत्रिक क्रिया में 72 साल हमारे बीत चुके हैं, मैं 72 साल का हूँ आज, करीब करीब 40-45 साल से यही कार्य है मेरा, तंत्र विद्या और सेवा। और तंत्र विद्या में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई कारगर है वो है सेवा। कोई अवघड़ पूजा नहीं करवाएगा, मैं तो हम तो अवघड़पंथी हैं, ना कोई माला है, ना अंगूठी है, ना तिलक है, ना हमारे पास कुछ तो नहीं है, सेवा है केवल। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति के लिए लोगों को आगे इनको सपोर्ट करें। और अगर राजपाल सिंह जी को हम सपोर्ट नहीं करते तो इनका नुकसान कभी न भूल के करेंगे, अन्यथा मुँह की खाएंगे। इस टाइम पेपर लाइए, मैं लिख के दूँगा। हमारी भविष्यवाणी पंजाब के पत्रिका में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में छपा था, जब अटल जी एक वोट से जीते थे। एक पत्रकार आया, कहें बाबा जी ये बताइए क्या है, हम कहा एक वोट से हार या जीत होगी, और एक ही वोट से अटल जी जीत गए थे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं कि हनुमान जी हमसे बुलवाते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि राजपाल सिंह जी जो हैं जिला संवाददाता रायबरेली के, इनका आज से नहीं, शुरू से मैंने इनका जो व्यवहार देखा तो हम इतने इनसे प्रभावित हुए, हमने कहा ठाकुर साहब हमारी झोली जो आशीर्वाद का है वो आपके झोली में ऑटोमेटिक जा रहा है। क्यों? आपके कार्य और आपके विचार ऐसे हैं। धन्यवाद।